मंदी के चलते हर कोई प्रॉपर्टी बाजार से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन अहमदाबाद के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर निवेश करने से अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। रियल एस्टेट के लिहाज से अहमदाबाद का पश्चिमी इलाका काफी तेजी से आगे बढ़ा है। अभी आप एसजी हाईवे पर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की भरमार देख रहे हैं। 10 साल पहले यहां कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर पश्चिमी अहमदाबाद का ऐसा विकास हुआ कि आज कहीं पर भी खुली जगह नहीं है और हाई राइज बिल्डिंग का विस्तार हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कि किन इलाकों में निवेश कर आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अहमदाबाद के वैष्णो देवी सर्कल की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स 3000 से 3800 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हैं और अगले 5 सालों में यहाँ पर 30% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है। वहीं श्री बालाजी ग्रुप में प्रॉपर्टी का रेट 3300 रुपए से 3600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और अगले 5 सालों में 35 से 40% का रिटर्न मिलने की संभावना है। वहीं गाला ग्रुप में निवेश करके 30% का रिटर्न हासिल किया जा सकता है। पैसिफिका ग्रुप में निवेश की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट 3000 से 3300 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और 5 सालों तक प्रॉपर्टी 20 से 25% बढ़ सकती है। अगर आप देखो तो वेस्ट साइड में आप जाते हो तो नॉर्मली सिटी वेस्ट साइड ज्यादा डेवलप हुआ है, सो उसके कारण करीबन इंटरेस्ट जो भी है बैंक का उससे तो ज्यादा ही प्रॉपर्टी में मिला हुआ है। सो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा बैंक से तो ज्यादा ही फायदा है। गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ हाउसिंग एंड एस्टेट डेवलपर्स भी कहते हैं कि 2012 से 2015 तक मार्केट में मंदी होने के बावजूद भी अच्छे इलाकों में अहमदाबाद में 18% तक रिटर्न मिला है और अब अहमदाबाद नगर निगम ने FSI कई इलाकों में बढ़ा दी है तो ये रिटर्न अगले 5 साल में 25% तक जा सकता है। अहमदाबाद के हर इलाके में निवेशकों को हर 3 साल में 10 से 15% रिटर्न मिला है। जैसे जैसे अहमदाबाद में विकास की रफ्तार बढ़ेगी रियल एस्टेट मार्केट को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। अहमदाबाद के 5 किलोमीटर के बाद के एरिया में अभी काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि बिल्डर का मानना है कि आज का 1 रुपये का निवेश कल जाकर 10 रुपये अवश्य होगा, इसलिए इस मंदी के बावजूद भी लोग ऐसे एरिया में धड़ल्ले से निवेश कर रहे हैं। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ कितन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद। हमने आपको अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। यहाँ पर भी कई बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने बायर्स की गाड़ी कमाई के साथ खिलवाड़ किया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये है उमंग गज्जर, अहमदाबाद के उपनगर बावला की एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है, फिर भी 2011 में अहमदाबाद के इस बिल्डर जिगर पारिक की आरजी इंफ्राकॉम पीवीटी लिमिटेड की ओम ऑर्बिट स्कीम में 2 BHK का फ्लैट बुक करवाया। 13 लाख की कीमत के घर की पेमेंट देने के लिए उमंग ने बैंक से लोन लेकर बिल्डर को करीब 11 लाख रुपए दे दिए, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद उमंग को घर नहीं मिला और पूरा परिवार अब आर्थिक रूप से काफी परेशानी झेल रहा है। ये मकान के पीछे हमारा 13 लाख की कीमत तय हुई थी, उसमें से मैंने 10,66,000 का पेमेंट दे दिया है। अभी तक कोई जवाब नहीं है, कोई मकान भी नहीं मिला है, ना ही कोई कंस्ट्रक्शन भी आगे बढ़ा है। ओम ऑर्बिट 220 फ्लैट की स्कीम के तहत किसी को भी घर नहीं मिला, लेकिन बिल्डर जिगर ने बायर्स के करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल लिए। अहमदाबाद में इससे पहले एनए कंस्ट्रक्शन का मामला भी चल रहा है, उन्होंने भी कई लोगों के साथ धोखा किया और फिलहाल वो बिल्डर जेल में है। अभी इस बिल्डर के खिलाफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एक्शन कमेटी के द्वारा कोर्ट में केस चलाया जा रहा है और जल्द ही इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अहमदाबाद में ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं, लेकिन अब ग्राहक भी जागरूक हो रहे हैं और ऐसे धोखेबाज बिल्डर के खिलाफ धीरे धीरे कार्रवाई भी हो रही है। अहमदाबाद में उमंग जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि बिल्डर्स की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। हालांकि ऐसे लोगों को न्याय तंत्र में पूरा भरोसा है
और आज नहीं तो कल उनको अपने सपनों का घर अवश्य मिलेगा, इस उम्मीद के साथ अभी भी वो आगे बढ़ रहे हैं। केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।